नमस्कार दोस्तों, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा शो का नाम है डेयर टू ड्रीम, तो हमारे शो का यही पर्पस है कि थिंक बिग, अपना एक ड्रीम बनाओ और उस ड्रीम को पाने के लिए मेहनत करो, संघर्ष करो और ड्रीम को अचीव करो। ये जो पूरा प्रोसेस है, जब आप ड्रीम अपना बनाते हो और ड्रीम अचीव करते हो, उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जहां डाउट होता है कि क्या मैं ड्रीम को अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं इस लायक हूं, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जब हमें ऐसा लगता है कि जो एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ऐसा चाहिए होता है कि कोई उनके साथ खड़ा हो। तो अड्डा का यही पर्पज़ है, इस शो का यही पर्पज़ है आपको बताना कि हम आपके साथ हैं। और जो ये स्ट्रगल्स हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो ये दिक्कत हैं, ये सभी की लाइफ में आती हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट आज तक इस शो में नहीं आया जिसने हमें बोला हो कि नहीं, मैंने तो तैयारी शुरू की, 3 महीने के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। कोई भी नहीं आया ऐसा कैंडिडेट। सारे कैंडिडेट जो आए हैं वो ऐसे ही थे, शुरू किया, फेलियर्स मिले, प्रॉब्लम्स आई, दिक्कत आई, डिप्रेशन आया, सब कुछ आया, बट लगे रहे, विश्वास रखा अपने ड्रीम में, अपने गोल में, और फाइनली उस गोल को अचीव किया। और आज हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं, उनका अभी रिसेंटली SBI PO में सिलेक्शन हुआ है, उनकी जर्नी एक्चुअली सच मायने में देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल जर्नी होगी। जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप जानेंगे उस बारे में। और जैसा कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आपको इस स्टोरी के बाद पता लगेगा कि नहीं, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है और स्ट्रगल सभी को फेस करने पड़ते हैं। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं हमारे आज के कैंडिडेट से। मैम, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ हैं पायल। पायल का भी रिसेंटली SBI PO में सिलेक्शन हुआ है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक की जॉब्स हैं उसमें भी SBI PO एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैम, बहुत बहुत आपको मुबारक हो इस इम्पोर्टेंट अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। तो पायल, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। चलो उससे पहले ये बताइए कि हाउस द फीलिंग, हाउस द जो जैसे बोलते हैं ना, जी कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन? अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब अब मुझे यकीन सर, मतलब अब 3-4 दिन से, 18 अक्टूबर के बाद से आज तक, मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं पहले जैसे हुई नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब सबके बिहेवियर इतने चेंज हो गए हैं और माहौल भी इतना अच्छा लग रहा है। मतलब पहले ऐसा लगता था कि नहीं, अभी मतलब कुछ कमी है, बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ अचीव किया है। आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है? बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसा लगता है कि सब क्लियर कर लूंगी अब तो मैं, अब तो सब कुछ कर लूंगी। ये सही है। ये होता है कि जैसा होता है ना कि आप तैयारी कर रहे होते हो तो एक फेज होता है कि आपका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा होता है, और अचानक से एक एग्जाम निकलता है तो फिर बहुत सारे एग्जाम निकलने लगते हैं। तो वो एक तो हमारे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि जैसे शुरू में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती होती हैं, फिर धीरे 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 हम सीखते रहते हैं, जो कमियाँ हैं उनको पूरा करते रहते हैं। वो एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर कॉन्फिडेंस होता है कि आपका एक बार एक एग्जाम निकलता है तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस कॉन्फिडेंस से फिर सारे एग्जाम ही निकलने लगते हैं। जी सर। तो पायल, आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर, मैंने लास्ट 2017 में ग्रेजुएशन पूरी करी। बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तो सर, स्टार्टिंग में तो मतलब मेरी एक प्लेसमेंट हो गई थी, बट टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर की, टाइम में से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था सर। मतलब क्या टाइमिंग थे आपके प्राइवेट सेक्टर में? सर, मैं सुबह 9 बजे पहुंचती थी वहां पर और मुझे मतलब 7-8 बजे आया करते थे। मेरी स्टार्टिंग जो जॉब लगी थी वो नेहरू प्लेस में लगी थी। तो सर, एक तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता था। मतलब मुझसे मेरा स्टार्टिंग से ये फोकस था कि मैं साथ पढ़ती रहूँगी, बट इतना ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा टाइम ले लेता था कि मैं कभी 9 बजे घर पहुँच रही, कभी 9:30, तो मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने साइड बाय साइड सोचा तो था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, क्योंकि सर मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट में था नहीं और मुझे कुछ अलग करना था स्टार्टिंग से ही। तो मेरा स्टार्टिंग से ही एम था कि मुझे कुछ अलग तो करना है, बट कैसे वो समझ नहीं आ रहा था। तो स्टार्टिंग की जॉब सर बहुत कम टाइम चली,
तब तक चली तब तक SBI PO 2018 नोटिफिकेशन में आ गया। तो आपने किस ईयर में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की? सर 17 के लास्ट 17 में आपने कंप्लीट किया लास्ट में। हाँ जी। और इंजीनियरिंग ये SBI की तैयारी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपने कब शुरू की? सर 18 के स्टार्टिंग से। 18 के स्टार्टिंग में जी जी। तो करीब करीब आपको 1.5 साल ऑलमोस्ट लग गया। ऑलमोस्ट लग गया। ओके। वैसे आपकी फैमिली में कौन है आपके अलावा? आप बड़े हैं मतलब आपके? सर मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरा एक छोटा सा छोटा भाई है आपका। बस हम चार। ओके। और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब में है, सॉरी प्राइवेट जॉब में है, और मेरी मम्मा तो हाउसवाइफ है। जी। तो आपने ये सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब में जाना है? जी सर। एक्चुअली कोई था ही नहीं, कोई गवर्नमेंट में था ही नहीं, और सबसे बड़ी बात सर मुझे कुछ अलग करना था। मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तब स्पेशली सोचा था कि मुझे SBI PO में जाना है या नहीं? नहीं सर, एक्चुअली ना मैंने सबसे पहले एक सक्सेस स्टोरी आई थी 18 में अड्डा पे ही आई थी। तो मैं सर उस टाइम कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मेरे को ये था कि मुझे जॉब भरनी है। मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी तो मुझे था कि कोई भी जॉब आए मेरे को फर्स्ट फिल करनी है सबसे पहले। तो मैंने जब SBI PO की 2018 की नोटिफिकेशन पढ़ी तो था कि ठीक है भरनी है मुझे, उससे ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मुझे यही निकालना है, बट मैंने और भी फॉर्म फिलअप किए हुए थे। तो उसके बाद से मैंने जब वो सक्सेस स्टोरी देखी तो मुझे लगा कि नहीं कुछ अलग है, SBI PO में कुछ अलग है। तो अड्डा की सक्सेस स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया? बहुत इंस्पायर किया सर। हाँ मतलब 17 की भी और 18 वाली भी। बहुत ज्यादा लास्ट ईयर भी। राइट। तो आपको वहां से एक इंस्पिरेशन मिली और फिर आपने गवर्नमेंट के लिए पढ़ना शुरू किया? हां जी। सर मतलब ये था कि नोटिफिकेशन आने तक तो कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे यही निकालना है, लेकिन जब मैंने उसके बारे में देखा मतलब सक्सेस स्टोरी देखी, मतलब SBI PO की बात ही कुछ अलग लग रही थी मुझे जब मैंने देखा कि नहीं। और भी बैंकिंग एग्जाम्स फिलअप करती थी मैं, लेकिन पढ़ तो मैं सिर्फ SBI के ले रही थी सर। और शायद उसी वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SBI PO का प्री निकाल लिया था सर फर्स्ट में। सो लास्ट ईयर आपका प्री निकल गया था? प्री निकल गया था। मेन नहीं निकल पाया? मेन सर एक्चुअली प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। मेंस था अगस्त में, शायद 4 अगस्त को मेंस था, और वो एडमिट था लगभग एक मंथ से एडमिट था, उसको हेपेटाइटिस हो गया था। और साथ में जॉन्डिस भी बहुत ज़्यादा। तो सर उस टाइम तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल में थे, तो मैंने मेंस की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। मैं मेंस गई भी हॉस्पिटल से देने थी, मतलब मेरा ये था कि घर वालों ने बोला कि नहीं अब ठीक है आप तुम मेंस तो दे आओ, कम से कम थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, चले जाओ। तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से गई थी देने के लिए, बट मैंने उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। हाँ मैंने सर के सुमित सर की क्लासेज ली हुई थी क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा वीकेस्ट था, तो मैंने उनकी क्लासेज ली थी। बाकी मैंने GK बिल्कुल सब मेन होता है GK, बट मैंने GK नहीं पढ़ पाई थी मैं। और उसके बाद सर मेरा फ्लो ऐसा टूट गया कि मतलब मैं IBPS की तरफ नहीं बढ़ पाई, जो 2018 वाला था उसकी तरफ नहीं बढ़ पाई इतने अच्छे से, जितना मैंने SBI में एक बार में निकाल लिया वो नहीं हो पाया था उस टाइम। फिर सर कंडीशंस ठीक हुई धीरे धीरे, अब वापस नवंबर तक वो ठीक हुआ, मतलब हम था कि मैं वापस ट्राई कर सकती थी, बट उस टाइम सब IBPS भी हो चुका था, क्लर्क भी निकल चुके थे, सारे फॉर्म्स निकल चुके थे, उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो फिर तीन नवंबर की बात है शायद, यहाँ पे SBI PO का एक इंटरव्यू फिर से मैंने देखा, सक्सेस स्टोरी मानसी पांडे मैम थी उनका स्टोरी थी वो मैंने देखी, उनसे सर मैं इतनी इंस्पायर हुई। उन्होंने मतलब उन्होंने कहा था कि वो 6 मंथ में ही मतलब क्रैक किया उन्होंने, स्ट्रैटेजीज देखो टीचर्स की और फिर आप क्रैक कर सकते हो। मैंने वही किया, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, दोबारा से स्ट्रैटेजीज देखी, सुमित सर की स्ट्रैटेजीज देखी, राधे सर की स्ट्रैटेजीज देखी, रीजनिंग मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही सर इतना मतलब कर लिया था कि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग बनता ही चला गया, मतलब मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैथ्स में थोड़ा था कि हाँ नहीं मेरा वीक है तो मुझे बार बार करना पड़ता था, बट नहीं सुमित सर ने वो भी बहुत अच्छे से मतलब वो सर मतलब ये था कि अगर कोई बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर करना चाहता है ना तो उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता तो कोई पढ़ा सकता। मैथ्स के लिए अड्डा का सुमित सर का कोर्स बाय किया था? जी जी मैंने उनका। कब कौन से ईयर में किया था सर? पिछले साल नहीं सर सॉरी इसी ईयर में, जनवरी में जो स्टार्ट हुआ था।
तो आपने वो ज्वाइन किया था? जी जी जी, क्योंकि मेरा सर वो वीक था तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग करना था अपना, उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि अगर आपको एसबीआई के आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है आप एक बार बैच ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है, मतलब आप वीक से एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उससे अपना। तो आपको आपके स्कोर में क्या चेंज आए पहले, मतलब जब हाँ सर मैंने जब पहला वो दिया था मतलब LIC का दिया था शायद, मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था जब प्री, तो मेरे मार्क्स सर मेरे ख्याल से जो 35 होते हैं उसमें से मैंने 17 ही अटेम्प्ट करे थे मैथ्स में, मतलब मेरा अच्छा नहीं था उस टाइम। लेकिन SBI तक आते आते मैंने बहुत चेंजेस किए, मतलब मैं सर ने सर की स्ट्रैटेजीज फॉलो की, सर ने बताया कि नहीं आप ये चीज़ें पहले अटेम्प्ट करो इससे मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब वो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप प्री तक जा रहे हो तो आप उनकी चीज़ें सीख के चले जाओ, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और वो 18 से सर मैं 30 तक आ चुकी थी, मैंने SBI PO में मैंने 84 अटेम्प्ट करे और मेरे 82 मार्क्स आए थे और 30 उसमें से मैथ्स के थे। और मेरे हिसाब से सर मैं बहुत सेटिस्फाई थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत था, क्योंकि रीजनिंग में मैंने 35 out of 35 किए थे उसमें। तो मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात की जाए, चलो एक तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया जी 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 अड्डा का, जी। इसके अलावा आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, क्या करते थे सर? एक्चुअली मैंने मेरा मैथ्स वीक था तो मैंने स्टार्टिंग से जब सर की वीडियो देखी थी तो सर बहुत स्टार्टिंग से कराते हैं तो मुझे भी पता है, एक उनकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, वो ना बोर्ड पे बहुत अच्छे से लिख लिख के समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने नोटबुक बनाई स्टार्टिंग से, तो मुझे तो टॉपिक्स भी नहीं पता थे उस टाइम, तो मैंने एक एक टॉपिक नोट किया। उनकी एक चीज़ ये अच्छी थी सर, अगर वो एक चैप्टर ख़त्म कराते थे और उसी चैप्टर को अगर वो एक महीने बाद कराते थे ना, तो सर वो मतलब उनका कुछ तरीके चेंज नहीं होते थे, अगर आपका वहाँ से वो फ्लो टूट भी चुका है, मतलब आप उस चैप्टर को छोड़ भी चुके हो, तो आप वापस वही कंसेप्ट से दोबारा चैप्टर को फिनिश कर सकते हो। चेंज क्वेश्चंस होते थे लेकिन कंसेप्ट उनका कोई नया नहीं आता था, वो उसी कंसेप्ट से नए नए चीज़ें सिखाते थे। तो मैंने पूरा मतलब सिलेबस नोट किया सबसे पहले, और उन्होंने बताया था कि आप जो जो मतलब प्री के लिए बेनिफिट है आप वही अटेम्प्ट करो, बाकी जो चीज़ें नहीं आनी है वो मत करो। उन्होंने बताया 10 मार्क्स का आप DI करो, सिंप्लीफिकेशन करो 5 नंबर का, 5 मतलब स्ट्रैटेजी उन्होंने पूरी बता दी, उन्होंने प्री के लिए सब कुछ समझाया था, मैंने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया। मतलब उनका ये था सर कि उनका ये कहना था कि आप मेंस के लिए पढ़ो स्टार्टिंग से, आप अपने कंसेप्ट अगर आज क्लियर नहीं करोगे प्री का सोच के कि आप 5 नंबर का ये कर लोगे 5 नंबर का ये कर लोगे, तो आप मेंस में नहीं कर सकते हो, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा बाद में। तो मैंने वही चीज़ की थी, मैं पढ़ती तो प्री के लिए थी लेकिन मैं मेंस के लिए साइड बाय साइड ज़रूर करती थी उनका सर के कहने से, जो भी कंसेप्ट होते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, मेंस की DI जो आ गई वो कर ली। मैंने अड्डा का प्राइम बाय कर लिया था, जनवरी में निकला था ऑफ़र, न्यू ईयर ऑफ़र, तो मैंने उसमें बाय कर लिया था टेस्ट सीरीज़ वाला, तो उसमें मेंस के भी मिल जाते हैं आपको, IBPS PO 18 के मेंस के मुझे टेस्ट मिल गए थे। तो मैं मेंस का टेस्ट लगाती थी हफ्ते में एक बार सिर्फ मैथ्स के लिए। तो सर मैं मतलब प्री की तैयारी मेरी साथ बाय साथ स्ट्रैटेजी से हो रही थी, सर अच्छे से बता रहे थे उसका, और मेंस का भी साथ साथ मैं कर रही थी क्योंकि मेरा एक एक टॉपिक क्लियर होता जा रहा था। मैं सर की वीडियोस देखती थी, कंसेप्ट क्लियर करती थी, फिर मैं हाई लेवल पे स्विच कर देती थी डायरेक्ट, तो उससे क्या हुआ सर मुझे मेंस में आके दिक्कत नहीं हुई। एक ही साथ आपने प्री और मेंस दोनों को लेकर? हाँ, मैथ्स के लिए खासकर, क्योंकि बच्चे सर ऐसा करते हैं कि शुरू शुरू में तो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं प्री की, कि चलो 5 नंबर सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, 10 नंबर की DI, तो ऐसे 25-30 मार्क्स बना लेते हैं। बट जब मेंस आता है तो हमारे पास 25-30 डेज का टाइम होता है, उसमें आप पूरे टॉपिक नहीं कवर कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको शुरू से करनी पड़ेगी, चाहे आप एक वीक लो लेकिन आप पूरा टॉपिक कवर कर लो। मैं सर की प्लेलिस्ट डाउनलोड करके और हर टॉपिक की मैंने बना रखी थी, तो मैं उसको अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं उसको बार बार देखती थी। और तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग के लिए क्या आपने किया? सर रीजनिंग का तो जब से मैंने बैंकिंग स्टार्ट की थी मैंने राधे सर को फॉलो किया था, और मतलब उनका तो एक कंसेप्ट था, वो एक तो वो जब क्लास शुरू करते थे सर तो एक एनर्जी आती थी, वो डायरेक्ट बोलते थे हेलो ऑफिसर्स, उनका ये लाइन बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग करी थी तो उनकी फर्स्ट क्लास सिलॉग्स की थी, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। बट सर वो ना मतलब उनका ये था कि वो टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कराते थे, तो मैंने स्टार्टिंग करी तो सबसे पहले उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई कि आप कभी भी पजल मत छेड़ो,
अगर आपका अगर पज़ल अच्छा नहीं है तो आप पज़ल मत करना कभी भी. बट उन्होंने सर मतलब मेरे अंदर ऐसा चेंज आ गया, मतलब मैं स्टार्टिंग में पज़ल से डरती रही, बट 2018 ख़त्म हुआ, जब 19 आया, जब SBI PO 2019 का, तो सर को ही मैंने फेसबुक पे बताया था कि सर मैंने 35 में से 35 किए हैं. हाँ मतलब इतना चेंज था. और मैं वो नहीं थी सर कि मतलब मेरे को पज़ल लास्ट में करने की, मतलब मेरे अंदर सर ने वो चीज़ें आ गई थी. हम कभी मिले नहीं थे सर, लेकिन हम उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में इतनी सारी चीज़ें सिखा दी थी कि ऐसा नहीं था मुझे कि मुझे पज़ल छोड़नी पड़ी. मैं फर्स्ट एक नज़र में देखती थी और मुझसे पज़ल हो जाती थी. उनका ये भी कहना था कि आप मेंस के लिए मत छोड़ो, आप एक पज़ल रोज़ मेंस की करो. तो आप प्रैक्टिस ऐसे करते थे कि रोज़ एक पज़ल, रोज़ एक पज़ल. सर मैं जैसे मैं स्टार्टिंग में ये करती थी, जैसे पज़ल का ऐसा नहीं था कि सर पज़ल ही पज़ल करो, मैं सारे टॉपिक्स करती थी सर के तो. बट मैं मेंस का, मैंने दोनों मैथ्स और रीजनिंग मैंने मेंस के लिए कभी नहीं छोड़े. मैं चाहे हफ्ते में एक टेस्ट, मैं हालांकि मेरे मार्क्स बिल्कुल ही बेकार आए उससे नहीं सर, लेकिन मेरे को पता चल जाता था कि लेवल किस हिसाब से चल रहा है और लेवल आजकल बढ़ता जा रहा है. बट रीजनिंग में ये था कि मैं टॉपिक के साथ साथ सर की एक क्लास लेती थी. सर की एक क्लास जैसे कंप्लीट हुई, उस क्लास को मतलब मैंने अड्डा की बुक्स आती है सर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो पैकेज आता है आई थिंक. ई बुक्स का पैकेज? नहीं 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 सर, मेरे घर पे आया था वो. ओके, हाँ वो मेरे फिजिकल बुक का सेट. हाँ जी हाँ जी, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा. एस एस एस, हाँ वो तीनों बुक्स आई थी मेरे पास. तो मैं पहले सर से टॉपिक सीख लेती थी, उसके बाद मैं उसको लगाती थी. हाँ जी, बहुत मैंने पजल्स मैंने बहुत प्रैक्टिस की है. तो आपने बेसिकली, मुझे लगता है कि अड्डा के सारे ही चीजें यूज़ की, सब चीजें यूज़ करी है सर. मैं फिजिकल बुक भी मंगाई, क्योंकि सर स्टार्टिंग मेरी अड्डा से हुई थी. तो मैं मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, मतलब मेरा फ्लो बना रहा. करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, इस सब के लिए क्या किया आपने? सर मेरा एक रूटीन था कि मैं स्टार्टिंग में सुबह उठती थी, तो मेरा ये था कि मुझे उठते ही पढ़ाई करनी है सबसे पहले. तो मैं सबसे पहले क्या करती थी, सुबह उठ के जितने भी करंट अफेयर्स आते थे आपके बैंकर्स अड्डा पे, जो स्टार्टिंग में सुबह 15 आ जाते हैं, 10 या 15 जितने भी होते हैं, मैं वो लिख लेती थी, नोट करती थी. उसके बाद मतलब रात में ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे कहते हैं रात में रिवाइज, मेरे को जब टाइम मिलता था मैं उसको एक बार रिवाइज करती थी. और लिखने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिवाइज अगर आप नहीं भी करोगे, एक बार अपनी आँखों के सामने से निकालोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो फिर लास्ट में मेरे पास क्या होता था सर, मैं जब महीना कम्प्लीट हो जाता था तो मैं कंपाइल कर लेती थी सबको, उसके बाद उनको एक बार रिवाइज करा, मतलब मुझे 2 से 3 लगते थे दिन लगते थे, और मैं पूरा हफ्ते का पूरे महीने का रिवाइज कर लेती थी. फिर जब कोई भी एग्ज़ाम आया तो मुझे दिक्कत हुई नहीं. मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया कि मैं सुबह उठ के रोज़ उनको लिखती थी. बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी. बाद में सर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ कुछ भी एक बुक उठा लेते हैं या फिर कैप्सूल. सर कैप्सूल बहुत अच्छा है, मैंने भी उससे पढ़ाई करी है. बट मैंने क्या किया था, जब मेरा SBI PO मेंस आ गया तो मैंने पहले जो मैंने कंपाइल किए हुए थे मंथली, जो मैं रोज़ लिखती थी, वो मंथली मैंने रोज़ मतलब 3 से 4 दिन लगे, मैंने 4 महीने के कंप्लीट कर दिए. क्योंकि अब वो मेरे दिमाग में रटे हुए थे, क्योंकि मैंने रोज़ किए उनको, फिर मैंने मंथ ली भी किए, फिर अब मुझे कैप्सूल ऐसा लग रहा था कि मैंने ही किया हुआ ये. उसके बाद मुझे दिक्कत नहीं हुई. मतलब ये था कि मुझे जनरल अवेयरनेस में स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि हाँ ये स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, एंड में नहीं होगा आपसे. चलिए जी, ये हो गया. इंग्लिश के लिए क्या आपने किया? सर इंग्लिश के लिए मैंने बहुत रीडिंग करी है. बहुत रीडिंग करी है. क्या पढ़ते थे आप? सर मैं सर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने डिसाइड कर रखा था, बट ये था कि मुझे कुछ भी मिल जाता था मैं पढ़ती थी. आप लोगों के आर्टिकल्स आते हैं, मैंने वो भी बहुत पढ़े. मैंने एडिटोरियल घर पे भी मतलब न्यूज़पेपर हमने लगाया हुआ था, वो रोज़ था कि मुझे पढ़ना है, चाहे 1 या 2. कभी कभार ऐसा होता था मिस हो जाता था, बट मैं ज़रूर करती थी. उसके जो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, बट मैंने उसको अच्छा करने के लिए बहुत कोशिश की सर. मतलब ये था कि मतलब मैं मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं पूरी लाइन ही नोट कर लेती थी. ऐसा नहीं है कि, क्योंकि एडिटोरियल की स्टार्टिंग में आप नहीं समझ पाओगे, एकदम से आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे रेगुलर होगे तो महीने के लास्ट तक मतलब 1 मंथ के एंड तक आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं आपके पास. और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब आप ग्रामर की, मैंने ग्रामर के लिए अड्डा को फॉलो किया था, तो मैंने सब चीज़ों के लिए अड्डा को ही फॉलो किया था. तो मैंने जो ग्रामर की वीडियोस देखी थी बहुत सारी, ग्रामर मैंने वहाँ से किया. और
सर मॉक आप देते हो तो मॉक को आप एनालाइज करते हो, मतलब अगर आप नहीं कर पाते हो, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे तो 20 मिनट्स में पूरा कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ ग्रामर की चीज़ें कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं बाद में छोड़ देते हैं उसको, बट मैं कभी नहीं छोड़ती थी मैंने मतलब अगर ग्रामर मैंने कर ली 20 मिनट्स में और मेरा एक 10 नंबर का पैसेज अगर रह गया तो मैं उसको बाद में ज़रूर करती थी, मतलब एनालाइज चाहे मैं उसको ना करूँ ग्रामर पार्ट को, लेकिन मैं उसको ज़रूर करती थी क्योंकि उससे कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंग्लिश सर मैंने बहुत रीड किया है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया चीज़ नहीं की, बुक मंगा रखी थी, एरर्स करती थी मैं उससे, और कॉम्प्रिहेंशन बहुत मैंने फिलअप्स बहुत किए हैं, आजकल जितने चेंजेस आ रहे हैं तो बुक्स में सब कुछ मिल जाता है आपको। राइट, तो जब आपका ये SBI का फाइनल सिलेक्शन से पहले, चलो इंटरव्यू की बात अभी बात में करेंगे, हाँ जी, इससे पहले आपको कोई रिजेक्शंस भी मिले कि कहीं कहीं आपका आपने दिया लेकिन नहीं हुआ? हाँ जी। और ऐसा हुआ किसी एग्जाम सर? एक्चुअली मैंने बैंकिंग सेक्टर में जब मैं उतरी थी तो मेरा फर्स्ट एग्जाम SBI PO था, तो मैंने फर्स्ट PO दिया, क्लेरिकल भी दिया था मैंने SBI का लास्ट ईयर, बट उसमें मेरा प्री नहीं हुआ सर, वो सिचुएशन वैसी, हाँ मतलब PO हो गया था बट प्री नहीं हुआ था मेरा, हाँ उसमें अटेम्प्ट्स मेरे इतने ज़्यादा नहीं पहुँच पाए थे तो मेरा वो अटेम्प्ट की वजह से रह गया था। PO प्री हो गया था लेकिन क्लर्क प्री नहीं हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट मैंने कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया, मैंने फर्स्ट एग्जाम SBI 2019 का ही दिया। तो रिटन टेस्ट हो गया जी, उसके बाद इंटरव्यू का फेज आया, तो इंटरव्यू में कैसे आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, क्या सोचा कि कैसे तैयारी करूँ इंटरव्यू? सर पहले तो मतलब जब मेंस का रिजल्ट आया था, मतलब सब कहते हैं कि पहले से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, मैंने मेंस के लिए बहुत पहले से प्रिपेयर किया था बट यहाँ मेरे अंदर कमी आ गई थी, मैं सोच रही थी कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा अच्छा हुआ था बट इतना भी नहीं कि हाँ मैं श्योर थी, तो मैंने भी वही किया कि नहीं पहले मैं रिजल्ट का वेट करूँ, तो जब रिजल्ट आया कि हाँ मैं सिलेक्ट हूँ, और रात में 12 बजे आया था, तो सुबह मतलब उस टाइम तो बहुत खुशी लग रही थी कि नहीं अब तो मैं कर लूँगी, बट जब मैंने पूरा चीज़ देखी कि SBI का इंटरव्यू है और इतना इजीली तो नहीं हो सकता, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से करना पड़ेगा अगर आप मतलब क्लियर करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट, और मेरा किसी भी गवर्नमेंट में फर्स्ट इंटरव्यू था ये, और वो भी SBI का, तो मैं डर तो गई थी। फिर मैंने बैच देखा था, अनिल भटनागर सर का बैच देखा था क्योंकि वो भी आपने अड्डा सही किया वो भी मैंने अड्डा सही किया था सर, तो अनिल भटनागर सर का बैच देखा मैंने, तो वो सर एक्चुअली ना मैं थोड़ा लेट हो गई थी उसको देखने में, तो सर मैंने कॉल किया था तो वो बोल रहे कि आप ऑनलाइन बैच ले सकते हो, ऑनलाइन ही था शायद वो तो हाँ, तो मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, उसमें सर से इंटरेक्शन हुई थी लास्ट डे वाली, पहले हफ्ते क्लासेस चली थी GK और GDPI की, और बाकी लास्ट डे इंटरेक्शन हुआ था, तो सर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, सर ने बोला कि आपने बहुत अच्छा कर रहे हो, उन्होंने मुझसे मतलब इंटरव्यू की तरह लिया, एक मैम भी थी साथ में, तो उन्होंने स्ट्रैटेजीज बताई कि अगर आपको सबसे बड़ा रूल SBI का कि अगर आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट मना कर दो, क्योंकि पूरी दुनिया में सारी चीज़ें आपको नहीं पता हैं, वो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चेक करेंगे वहाँ पर, तो आप कभी भी गलत क्वेश्चन मत पूछो, आप 0 ले लो लेकिन आप माइनस में अगर चले जाओगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, तो ये चीज़ आप मत करना वहाँ पर, तो ये चीज़ मैंने बहुत ध्यान करी, क्योंकि सर कभी कभी मतलब हम मोस्टली ऐसा करते हैं कि हम गेसेस कर देते हैं कि नहीं आप करो, बट वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मैंने यही दिमाग में रखा, और उन्होंने कहा था कि GK पे फोकस करो, GA पर, तो मैंने GA पर फोकस करा, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक शायद मैंने नहीं छोड़ा था जो रिसेंटली चल रहा हो और इंटरव्यू में आ सकता है और मुझे नहीं आता, और GD में तो इंटरव्यू कैसा हुआ था जब सर? इंटरव्यू तो मुझे बहुत डर लग रहा था मेरा, मतलब लास्ट नंबर था और रात में 8:30 बज गए मुझे इंटरव्यू देते देते, और 11 था मेरा नंबर लास्ट पैनल, मुझे लगा सब मुझे ये बोल रहे थे कि आपका ना सर बहुत टायर्ड है और पूरी पैनल बहुत टायर्ड है, अब आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, तो मुझे इस चीज़ को अंदर नेगेटिविटी आने लग गई थी धीरे धीरे, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो जब सामने सारे लोगों को मैंने फर्स्ट टाइम देखा सर, वो इतने पॉजिटिव लग रहे थे, इतने पॉजिटिव, मतलब मुझे जब उन्होंने मुझसे बात करी तो मुझे लगा ही नहीं मेरा इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे बात कर रहे थे जैसे मेरे फ्रेंड्स हो, मुझे लगा ही नहीं कि मैं SBI का इंटरव्यू दे रही हूँ, इतने अच्छी तरीके से उन्होंने मुझसे बात करी, हर बात पे उन्होंने वेरी गुड, हंस रहे हैं, ओके बेटा ऐसे, मतलब इतना अच्छा, मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, 22 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला, पर्सनल भी था और बैंकिंग भी थी। किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर उन्होंने जो सबसे सामने जो सर बैठते हैं शायद वो चेयरमैन होते हैं, हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन बताओ क्या होता है, तो मैंने उनको
मतलब बता दिया तो उन्होंने कहा ओके बेटा ओके. तो फिर साइड वाले सर ने नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कोई कार्ड चूज़ करते हो आजकल पैसे निकालने के लिए, वो कार्ड्स क्या होते हैं? तो मैंने कहा सर वो सॉरी पैसे निकालने के लिए मतलब बैंकिंग में कौन से कार्ड चूज़ करते हो? तो मैंने कहा सर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स. तो वो कौन सी कंपनीज के होते हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि सर वो मास्टर कार्ड वीज़ा ये हमारी कंपनीज मतलब हम यूज़ करते हैं इनको. तो उन्होंने कहा कि ओके तो ये इंडियन कंपनीज़ हैं या फॉरेन कंपनीज़ हैं? तो मैं पढ़ के गई थी अच्छे से, तो मैंने बता दिया कि नहीं सर ये तो फॉरेन कंपनीज़ हैं. तो कहते कि अच्छा तो अगर फॉरेन कंपनीज़ हैं तो हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं, अपना क्यों नहीं बना लेते हैं कोई? तो मैंने कहा सर हाँ हमने रिसेंटली अपना बनाया है, रुपे कार्ड हमारा अभी लॉन्च हुआ है. तो उन्होंने कहा अच्छा ये इंडियन है? मैंने कहा यस सर इंडियन है. तो कहीं और भी लॉन्च हुआ है ये इंटरनेशनली? मैंने कहा हाँ सर. तो उन्होंने पूछा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो मैंने बता दिया उसी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही वो यूएई में लॉन्च हुआ था. तो मैं पढ़ के गई थी तो मुझे उसकी टेंशन नहीं लगी. तो उनका बहुत अच्छा रिएक्शन था. तो उन्होंने मुझे साइड वाले सर को बोला कि अब आप पूछो. तो वो बोलते हैं कि कहाँ से हो आप? तो मैंने कहा सर मैं जयपुर से हूँ. तो वाओ जयपुर तो बहुत अच्छी सिटी, हम लोगों को तो बहुत पसंद है, कुछ बताओ जयपुर के बारे में, कुछ हुआ है अभी वहाँ पर रिसेंटली, कुछ न्यूज़ बताओ वहाँ की. तो हाँ मैं पढ़ के गई थी वो सर वहाँ की एक वर्ल्ड सिटी थी, वो यूनेस्को में शामिल हुई थी. तो उन्होंने उससे क्वेश्चंस पूछे मुझसे. तो उन्होंने कहा कि आप राजस्थानी हो, वहाँ तो बहुत कलर्स चलते हैं, खाना बहुत शौकीन है वहाँ खाने पीने का, तो कुछ बताओ वहाँ का फेमस. तो मैंने कहा सर वहाँ तो दाल बाटी बहुत फेमस है. तो मुझसे पूछे कि आपको बनाना आता है? मैंने कहा सर हाँ हमारे घर में तो मतलब मोस्टली वीकली बन जाता है. तो कहते अच्छा फिर तो आपको पता होगा कैसे बनता है. तो मैंने कहा हाँ सर. तो बताओ बाटी और लिट्टी में क्या फ़र्क होता है? तो मैंने उनसे बोला कि सर बाटी तो नॉर्मली स्टफ्ड नहीं होती, लिट्टी स्टफ्ड होती है. किस चीज़ से स्टफ्ड होती है? मैंने कहा सर आपको पता था? हाँ मुझे पता था सर, मैं बहुत अच्छे से करके गई थी. पैनल में ये हमेशा होता है कि वो जानना चाहते हैं कि आप कितने डीप में हो. हाँ जी. एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका फॉलोअप क्वेश्चन, उसका भी फॉलोअप. हाँ सर वो अंदर जा रहे थे, अंदर जाएंगे जब तक मतलब वो समझ ना जाएं कि आप कितने नॉलेज है, कितने डीप में हो, तक पूछते जाएंगे मतलब बहुत अच्छा. मतलब उनको ऐसा, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उनको बहुत मजा आ रहा है. तो मुझे भी कुछ हिचकिचाहट नहीं हो रही थी. एक मैम थी वहाँ पर, उन्होंने मुझसे पूछा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो वो भी मैंने उन्हें बता दिया. एक सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा इम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में फ़र्क क्या होता है, आप कैसे यूज़ करोगे उनको. तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे सर उस टाइम वहाँ पर, बट वो उसी के अंदर से एक क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, वो आपके आंसर में से क्वेश्चन कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से मेरा सबसे लॉन्गेस्ट चला वहाँ पर. मैंने जब अपने ग्रुप में आकर बताया तो वो बोल रहे कि यार हमारा तो 5 मिनट 6 मिनट ऐसे चल रहा था. तो मैं उनको यही बोल रही थी कि यार तुम बोल रहे थे कि मतलब वो टायर्ड होंगे, बट उन्होंने शायद इस चीज़ को अच्छा समझा कि लास्ट है तो अब चलो हम अच्छे से ले लेते हैं. तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से किया. और आपका ये GD और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ग्रुप सर? अच्छा था, बहुत अच्छा था. मतलब मैं तो डरी, मतलब मुझे इंटरव्यू से ज़्यादा GD में डर था, कि मुझे ये लगा था कि अगर मुझे टॉपिक समझ नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी. तो वहाँ पर हमें समझाया गया था कि अगर आप, मतलब मेरे ग्रुप वाले बच्चे बोल रहे थे कि अगर आपको नहीं आता तो आप बोलना मत, क्योंकि गलत बोलने से अच्छा है आप थोड़ा देर वेट कर लो, आपको और लोग बोलेंगे तो आप समझ जाओगे. तो मैं इस चीज़ के लिए ठीक था कि हाँ. और मैं मतलब 2 ही लड़कियाँ थी हम और बाकी सारे लड़के थे, तो बहुत ही स्मूथली हुआ सर. मतलब बच्चे बोल रहे थे कि क्या टॉपिक था आपका सर? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. ओके. हाँ कि कैसे हमारी इंडियन हेल्प इकोनॉमी को हेल्पफुल रहेगा ट्रेड प्रोटेक्शन. तो मतलब जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे समझ में आने लगा. फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली और मतलब पता था मतलब इस चाइना US ट्रेड वॉर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई. मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मूथली हुआ. मतलब जो दो सर थे पैनलिस्ट थे वो बोल रहे कि बेटा अभी और बोलो, अभी आपको बहुत टाइम बचा है. और जी का टॉपिक था क्वालिटीज ऑफ बॉस. ओके. तो उसमें तो इतनी अच्छी रैंक करने थे पूरे. हाँ एट थे सर. तो सबसे नंबर वन क्वालिटी क्या थी? वो क्या ग्रुप ने क्या डिसाइड किया था सर? वो रेगुलरिटी शायद करी थी. फर्स्ट रेगुलरिटी करी थी. ओके. और सेकंड वो रखी थी मतलब उसको क्या बोलते हैं, भेदभाव ना करना. मतलब हाँ मतलब इम्पार्शियलिटी बहुत. हाँ तो वो भी आपका टास्क अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा सर. हाँ बहुत अच्छा. मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा GD इतना अच्छा होगा, बट बहुत अच्छे थे बॉयज़ भी, बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेट मतलब कोऑपरेट कर रहे थे कि आप बोलो अब, नहीं तो वहाँ पर तो ये होता है कि बोलने नहीं देते बिल्कुल भी.
तो अच्छे से हो गया सब कुछ बहुत। तो जब ये सब हो गया तो आपको उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन होगा? हाँ सर, मतलब मैं मेन से ज़्यादा मुझे उम्मीद, जब मेरा GDPI निकल गया तब मुझे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी। तो रिजल्ट कैसे देखा आपने जब? सर रिज़ल्ट तो मतलब ऐसे था कि मैं जब रिज़ल्ट आया तो मैं घर पर नहीं थी, मैं बाहर थी, और आई थिंक बहुत जल्दी 8:30 बजे, मुझे तो टाइम भी नहीं पता, मेरा नेट बाहर वाईफाई चल नहीं रहा था, तो मैं घर आई तो मैंने, मेरा जैसे वाईफाई ऑन हुआ तो ऊपर आया कि SBI PO रिज़ल्ट आउट। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मतलब पॉपअप आ गया था। तो सबसे पहले मैं मुझे ये था कि घर वाले वेट तो कर ही रहे थे सर, मतलब बहुत उम्मीद तो होती है जब हमको एग्ज़ाम दे देते हैं। तो मैंने जब देखा तो मैं सीधा अंदर रूम में चली गई, मुझे ये था कि अगर मैं नहीं भी हुआ तो मैं एकदम से तो सबको नहीं बताऊँगी, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। तो मैं अंदर चली गई और मैंने सबसे पहले अपना, मेरे को रोल नंबर याद था, मुझे रोल नंबर में कोई नहीं, और मेरी मम्मा किचन में थी और पापा मेरे आए नहीं थे और भाई बाहर रूम में था, मेरी नानी आई हुई थी। तो मैंने सबसे पहले PDF देखा, उसमें सर दो ब्लिंक कर रहे थे, एक कि सक्सेसफुल लेटर मतलब फाइनल रिजल्ट जो आया उसके लेटर्स भी और रिज़ल्ट भी। तो मैंने गलती से ना वो खोल लिया जिसमें लेटर है आपका पोस्टिंग का, मैंने वो खोल लिया तो वो डायरेक्ट पोस्टिंग का खुल गया मेरे से। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत खोल लिया है, मैंने देखा ही नहीं कि मेरी पोस्टिंग भी हो गई है। मैं उतनी डरी हुई हूँ वापस, मैंने वापस बैक किया और मेरे ग्रुप पे मैसेज आया हुआ था, मैंने वो ग्रुप वाला मैसेज खोला और मैंने PDF सर्च करी और फिर मैंने रोल नंबर डाला और सब, फिर मैंने जूम किया और मेरा फर्स्ट पेज पे ही नाम था, शायद थर्ड या फोर्थ रॉ थी। और उस टाइम मैं इतनी तेज़ चिल्लाई, मतलब घर वाले सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुछ चूगा वगैरह आता, मैं ऐसे चिल्लाती हूँ, इतनी तेज़ चिल्लाई और मम्मा के आंखों में आंसू, मम्मा ऐसे हो गई कि यार ये मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था घर में कि कुछ अलग हो गया है। और उस टाइम बहुत अच्छी मोमेंट थी सर। तो मदर का क्या रिएक्शन था? मम्मा रोने लग गई थी, मेरी नानी और दोनों हग आपस में करके और रोने लग गए थे, क्योंकि सर फर्स्ट मैं गर्ल हूँ और राजस्थान से हैं हम लोग, इतनी ज़्यादा ऊँची अभी सोच नहीं है मतलब लोगों की, कि अगर मतलब कोई भी रिलेटिव आता था तो बोलता था कि क्या आप मतलब हम जब देखो जब पढ़ती रहती है कुछ और भी तो करना चाहिए ना, मतलब कहीं आना जाना नहीं है। मतलब सर मैंने जब SBI PO का सोचा था कि मुझे SBI PO में जाना है तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि मुझे कुछ नहीं, पहले कुछ बनना है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको शादी के लिए प्रेशराइज नहीं किया? सर पेरेंट्स नहीं करते थे, बट जब रिलेटिव्स आते थे ना, किसी का कॉल आया और फिर दिमाग में डाल देते थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत डिसहार्टन करती थी, फिर मुझे लगता था कि यार छोड़ दो, मत पढ़ो। बट उस टाइम मतलब ऐसा था कि मैं सोचती थी कि यार नहीं ये वाला दे दो, मतलब मैं पीछे नहीं हटी कभी भी, मैंने मतलब किसी का कॉल आया वो बोलते थे कि यार बहुत टाइम हो गया, BTech कर ली, 4 साल हो गए, अब तो कर दो, हो गया बस। तो पापा तो नहीं बोलते थे, मतलब वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन फिर ये है कि मम्मी नानी सब इकट्ठे हो जाते थे तो वो बात मुझे बोलते थे, बट फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं एटलीस्ट अभी तो पीछे नहीं हट सकती, अब मैं इतनी आगे आ गई हूँ तो मतलब मैंने सोचा है तो एटलीस्ट मैं ये अटेम्प्ट पूरा करूँगी SBI का। मैं पिछले साल से ये सोच के कर रही थी कि नहीं मैं SBI तो दूंगी। अगर SBI में नहीं होता तो? सर अगर SBI में नहीं होता तो फिर तो मतलब मैंने फॉर्म तो भरे हुए थे, बट मुझे उम्मीद सबसे ज़्यादा SBI से ही थी, मतलब मेरे को लिमिट मिल गई थी कि मेरे पास 1 साल है। ओके। मेरे पास 2019 था बस। ओके। तो आपके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ आपने डिस्कशन किया हुआ था कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल शादी हो जाएगी? हाँ सब बोलते थे कि अगले साल, हाँ बोल रहे थे कि मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा, मतलब जब फ़ोन करते थे तो सब ऐसे बोलते थे कि चलो ये साल देख लेते हैं, पहले ये साल निकल जाए तो अच्छी बात है। तो ये हम आई थिंक बहुत शो में इस बारे में बात कर चुके हैं कि पेरेंट्स की ये जो सोच है कि जैसे आपने कहा कि चलो इस साल देख लेते हैं, हाँ, इस साल हो जाता है तो ठीक है, वो करती तो थी। ये अभी बहुत बहुत लोगों में है, अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो अभी भी गर्ल कैंडिडेट्स को या घर में जो लड़कियां हैं उनको ऐसे माना जाता है कि इसको तो पराए घर जाना है या इसकी जल्दी जल्दी शादी करके इसको भेज दो, या फिर लोग ये सोचते हैं कि यार इतना पैसा इसकी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं उससे बढ़िया तो शादी अच्छे से कर देते हैं, दहेज में कुछ दे देंगे। तो आई थिंक ये बिल्कुल गलत सोच है और लड़के और लड़कियों को सेम लेवल पे रखना और सेम अपॉर्चुनिटीज देना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि जो आज का जो इंडिया है
और अगर स्पेशली मेट्रोज और बड़े सिटीज़ की बात की जाए तो खाली हस्बैंड की सैलरी से ही घर नहीं चल सकता. बिल्कुल सर. आपको हस्बैंड और वाइफ दो लोगों की सैलरी मिलके तभी एक डिसेंट आप लिविंग आप अच्छे सिटी में कर सकते हो. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि लड़की भी काम करे. और कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी, कोई भी महिला ऐसी नहीं है जिनको मैं जानता हूँ जो जॉब के साथ साथ घर का काम ना करती हो. सारी लड़कियाँ बहुत खुशी खुशी तैयार होती हैं इस चीज़ के लिए कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की और मैं घर भी संभाल लूँगी. ऑन द अदर हैंड अगर मैं वैसे कंपेयर करूँ लड़कों का माइंडसेट और लड़कियों का, तो लड़कों का बहुत काम से रिलेटेड माइंडसेट होता है कि काम करना है, काम पे फोकस होती है. लेकिन लड़कियों का ये होता है कि उनको घर को भी घर में भी उनका मन होता है, उसमें भी उनकी एस्पायरेशंस होती हैं कि हमारा घर मुझे सजाना है, यहाँ पे ये सब होगा, खाना भी बनाना है, अच्छा खाना बनाऊँगी, बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना, ये सब चीज़ें होती हैं. लेकिन लड़कों के लिए काम बस उनको उनका एक ही फोकस होता है काम. कुछ उनको प्रेशराइज होता ही नहीं है, मतलब उनको ये है कि अगर आप मांगोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा. लड़कों में लड़कों के भी अपने प्रेशर होते हैं, ऐसी बात नहीं है. बट मेरा मेरा मानना ये है कि हमें इक्वल प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए लड़के और लड़कियों को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए. और ये अब अक्रॉस सारे फील्ड्स में आप देखें, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे हमारा साइंस हो, रिसर्च हो, हर फील्ड में लड़कियां कहीं भी लड़कों से कम नहीं है. और स्पेशली जो छोटी जगह से लड़कियां आती हैं उनके अंदर बहुत एस्पायरेशन होती है, उनको बहुत कुछ करने का होता है, वो लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं. तो जो भी पेरेंट्स इस शो को देख रहे हैं, मेरा उन सभी से यही कहना है कि लड़कियों को प्लीज़ बोझ ना समझें और उनको अंडर एस्टिमेट ना करें. आप क्या होता है लड़के से तो बहुत उम्मीदें लगा लेते हो कि नहीं लड़का ये करेगा, नाम रोशन करेगा, फैमिली का करेगा, ये करेगा. लेकिन लड़कियों को आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो, उनको उनका पोटेंशियल आप कभी समझते भी नहीं हो. तो आप अपनी बेटियों से, बहनों से, अपनी जो महिलाएं हैं घर में उनसे बात करें, उनको वैल्यू करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें सो दैट उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो भी निकल कर आ सके. और ये मेरा मानना है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की चीज़ें होती हैं उनसे कभी पीछे हटेंगी, कभी नहीं हटेंगी. तो आई थिंक आपका भी यही मानना होगा. हाँ सर, एक्चुअली मतलब पेरेंट्स कभी भी बुरा तो नहीं सोचते अपने बच्चों का, बट ये है कि जो रिलेटिव्स होते हैं ना उनकी बातों में ऐसा लगता है कि नहीं अब सच में बहुत. लेकिन मेरी मम्मा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया. मतलब अगर कोई फ़ोन करता भी था तो वो बोल देती थी हाँ ठीक है थोड़ा टाइम है इसके पास दे दो, लेकिन वो मुझसे बोलती थी कि नहीं तू कर ले तो कर ले लेकिन अच्छे से कर. मतलब ये जो टाइम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब उनको भी दिख रहा था कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो उन्हें वो चीज़ दिख रही थी तो वो उस चीज़ को मान भी रही थी. बट ये था कि सर फिर कोई कुछ बोल देता था तो फिर तो ठीक है. तो आप बाकी एस्पायरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप तो सक्सेसफुल हो गए हो, आप तो स्टार हो, राइट? तो बाकी जो लोग स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जो अभी जूझ रहे हैं इन सारी फेजेस से, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी सबको कि छोड़ो मत. अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा मतलब आप इतना आगे पहुँच गए हो. अगर आपका प्री नहीं क्लियर हो रहा है तो आप उस चीज़ को सोचो कि अगर मेरा प्री तक मैं पहुँचूँगी तो मैं मेंस भी करूँगी. टाइम छोड़ो मत. अगर आप कॉन्टिन्यूशन में रहोगे ना, आज नहीं कल नहीं आपका होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये ऐसा नहीं है. मतलब अगर आप क्लियर करोगे, करना चाहोगे तो वो ज़रूर होगा. लड़कियाँ हो चाहे लड़के, ऐसा कुछ नहीं कि लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती है. थोड़ा टाइम हर किसी कोई कोई अलग होता है, बट ये नहीं है कि नहीं होगा. कंटिन्यूशन में रहो, बिल्कुल होगा. तो मुझे भी यही लगता है कि इट्स ऑल अबाउट योर डिज़ायर, कि आपके अंदर कितनी डिज़ायर है उस चीज़ को पाने की, कितनी फायर है आपके अंदर और आप कितना मेहनत कर सकते हो. अगर ये दो चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर चाह है, आपका गोल है, आपका एक ड्रीम है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, दिन रात उसमें लगाने के लिए तैयार हो, तो सक्सेस मिलेगी यार. आप जैसे बच्चे ही तो सेलेक्ट होते हैं, आप में से ही लोग होते हैं जो SBI में जाते हैं, आप में से ही लोग होते हैं जो IBPS में जाते हैं या RBI में जाते हैं, कोई अलग से तो आते नहीं है. सब नॉर्मली एस्पायरेंट्स होते हैं. अब आपने देखा ही होगा इस शो में जितने भी लोग होते हैं वो सब आप जैसे ही होते हैं, उनमें कुछ भी नया नहीं होता. सिर्फ एक दो चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, एक विजन होता है उनका, एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है और उसको पाने की चाह होती है और साथ में वो मेहनत भी करते हैं उसको पाने के लिए. तो ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. सो पायल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो.
Thank you, sir. Thank you. A small gift from our side. Thank you so much, sir. So thank you, guys. Thank you for watching this show. और अगर आप में से भी कोई ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा कोई पर्सन है जिसने कुछ बड़ा लाइफ में अचीव किया है, कुछ जिसकी ऐसी कोई कहानी है जो बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है, तो हम आपको इस शो में इनवाइट करना चाहेंगे. आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है achievers@adda247.com. आप हमें मेल करिए, और अगर हमें आपकी स्टोरी अच्छी लगी और हमें लगा कि वो बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, तो हम आपको इस शो पर ज़रूर बुलाएंगे. और साथ ही अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए, सो दैट उन सभी के पास पायल की स्टोरी पहुँच सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो. थैंक्स.